वेलकम टू ऑल। ऑर्थोगोनल टर्निंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग के प्रॉब्लम्स के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर कैसे बनते हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम हम 2018 का लेके आए हैं, दो नंबर के लिए पूछा गया था। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हो रही है किसके लिए? एक थ्रू होल कट करने के लिए 12 mm की थिक एल्यूमिनियम प्लेट में। 12 mm की थिक एल्यूमिनियम प्लेट है, उसमें कुछ थ्रू होल अपने को कट करना है। जब होल का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अपने को कितना दिया हुआ है, होल का है, एक रेक्टेंगुलर शेप का अपने को होल कट करना है। अब होल का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कितना, 10 mm, 30 mm रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और थ्रू होल मतलब 12 mm की प्लेट में उसको पूरा करना है। मतलब एक मान लीजिए आप ऐसा प्लेट है ये कोई, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है कोई, यहां पे ऐसा कुछ थ्रू होल अपने को क्या करना है, इसमें कट करना है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। ये इसकी थिकनेस है कितनी, 12 mm की ये वाली, और ये उसका रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन दिया है आपको 10/30। ठीक है, तो अब इसमें ECM से हमने इस रेक्टेंगुलर प्लेट में थ्रू होल कट कर। अब ECM का जो कितना काम कितनी देर में हो जा रहा है, टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना दिया है, 2 मिनट। तो टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। उसके बाद क्या बोला है कि 90% इफिशियंसी अपने को लेके चलनी है। तो इफिशियंसी कितनी है, 90%। फिर स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट, स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट कितना दिया है, स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट कितना होता है, मटेरियल रिमूवल रेट अपॉन, यहां पे सारे फॉर्मूले में लिख के रखा हूं, स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, मटेरियल रिमूवल रेट अपॉन करंट। तो स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट दिया है अपने को, स्पेसिफिक MRR कितना दिया हुआ है, 3.44 × 10⁻²⁰ mm³/Ampere/s। ठीक है, अब अपने से पूछा है कि करंट कितना लगेगा इस प्रोसेस में, ये निकालो। तो भैया करंट कितना लगेगा देखते हैं। अब देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के, मैंने लिख के रखे हैं। अब देखिए करंट अपने को स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट दिया है, मतलब MRR अपॉन I, MRR अपने को मिल जाए कि कितना मटेरियल अपने को रिमूव करना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। MRR कैसे निकालेंगे, MRR के फॉर्मूले ये है, उसमें भी लेकिन I है, E अपॉन F है, कौन सा मटेरियल है ये भी तो नहीं दिया, एल्यूमिनियम दिया हुआ है। तो MRR कितना रिमूव करना है ये तो अपन लोग यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं, मटेरियल रिमूव, मटेरियल टू बी रिमूव्ड कितना मटेरियल रिमूव करना है अपने को, टोटल मटेरियल, ठीक है, इसको टोटल मटेरियल बोलते हैं। टोटल मटेरियल कितना रिमूव करना है अपने को, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना रिमूव करना है अपने को, 10 × 30 × 12, यही हो जाएगा 10 × 30, और थ्रू करना है पूरा 12 mm की थिकनेस तक, तो 10 × 30 × 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहां से अपना, 3600 mm³। यहां पे अपना टोटल इतना मटेरियल अपने को रिमूव करना है। अब अपने को दिया क्या हुआ है, स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट, तो अब यूनिट से चलते हैं। अब देखिए कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना, कुछ नहीं समझ में आता, तो यूनिट से अपन सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब इसको अपन लोग क्या करें, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी देख लें, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, देखिए इसमें क्या है, mm³/ampere/s। अगर 3600 mm³ को हम इस वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो mm³ खत्म हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड ऊपर चला जाएगा। अपने को क्या चाहिए, एम्पियर में यूनिट चाहिए, करंट एम्पियर में होगा तो अपने को एम्पियर सेकेंड तो मिल जाएगा ना पहले। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड अपन लोग क्या करें, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव 3600 अपॉन स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट कितना, 3.44 × 10⁻²⁰ mm³/ampere/s, और यहां पे ये mm³, तो mm³ से mm³ गया, इसको काटेंगे तो एम्पियर सेकेंड ऊपर हो जाएगा, तो अपना कितना आ गया आंसर यहां से, 1046.51.163 ampere/s। ये अपना क्या आ गया, टोटल इतनी एक्चुअल टोटल एनर्जी अपने को चाहिए इतनी।
ठीक है, एम्पेयर इंटू सेकेंड मतलब इतना करंट चाहिए इतनी देर तक के लिए चाहिए, तो ये टोटल एनर्जी हो गई ना अपनी एक प्रकार से, इतना करंट और इतनी देर के लिए चाहिए टोटल एनर्जी। अब बोला है कि एफिशिएंसी जो है वर्किंग की कितनी है 90%, तो एक्चुअल एनर्जी कितनी होगी इसको 0.9 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 90% है, जितना अपन लोग देंगे उतना 90% जाएगा, तो 104651.163 को 0.9 से अपन लोग डिवाइड कर दें तो ये अपने को एक्चुअल मिल जाएगी। तो एक्चुअल एनर्जी कितनी मिल गई अपने को, 116279.07 एम्पियर सेकेंड। तो अपनी इतनी टोटल एनर्जी अपने को मिल गई। अब ये तो क्या है, कितना करंट चाहिए और कितनी देर तक चाहिए अपने को, ये टोटल एनर्जी मिल गई। अब कितनी देर तक चाहिए अपने को पता है कितनी देर में काम हो जा रहा है, 2 मिनट में, तो करंट कितना लगेगा उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो अपने को करंट की यूनिट मिल जाएगी और लॉजिकली भी करंट का आंसर मिल जाएगा। तो 116279.07 एम्पियर सेकेंड अपॉन 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 120 सेकेंड्स। तो सेकेंड से सेकेंड क्या इसको काटेंगे तो अपना करंट क्या आ जाएगा, I = 968.992 एम्पियर। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए मैंने इसको इतना ज्यादा पॉइंट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए आपको क्वेश्चन में बोला अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपको लिखना है। एम्पियर में पूछा है, कभी कभी मिली एम्पियर में भी पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ पे एम्पियर में पूछा इसलिए एम्पियर में आंसर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का समझ में आया। वो सिंपल सा था, देखिए अपने पास फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला नहीं लग रहा था, क्यों, चलिए यहां से मान भी लेते हैं अपने को क्या दिया है, एमएम क्यूब पर सेकेंड दिया था वहां पे, एमएम क्यूब पर एम्पियर पर सेकेंड दिया था ना यहाँ पे, ये भी देखिए एमएम क्यूब पर सेकेंड और पर एम्पियर, तो मतलब ये वाला टर्म दिया था। अगर अपन लोग ये वाला निकाल लेते, ये वाला कैसे निकालते, एल्यूमिनियम का अपने को ई पता होना चाहिए, एफ अपना पता है 96,600 और रो पता होना चाहिए, तो अपन लोग एम एम आर अपन आई यही तो निकालते, आई फिर भी कहां से निकाल पाते, आई तो उसमें भी चाहिए ना अपने को, एम आर आर में भी, जब फॉर्मूले काम नहीं आते तब अपन लोग यूनिट्स को दिखा के दिमाग लगा के थोड़ा सा अपन लोग जुगाड़ लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।